अच्छा, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू, जो कि एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है हमारे पास, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू नॉर्मली हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं फॉर पीरियाडिक वेव फॉर्म के, इट्स लाइक स्क्वेयर, जो भी फंक्शन है उसका स्क्वेयर लेते हैं पहले, फिर उसका लेते हैं मीन, जिस तरह एवरेज है या अंडर रूट के टर्म के अंदर जो भी है ये मीन, और फिर उसके बाद रूट। सो ये तीन चीज़ें मिलके हमारे पास ये टर्म बनाती है रूट मीन स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू में एक्चुअली जो मीन है या जो एवरेज है वो भी अपीयर हो रहा है। तो अगर हम कहीं पे एवरेज फाइंड करते हैं, हम नॉर्मली इस तरह से फाइंड करते हैं कि 1/t फ्रॉम 0 to t, एंड दैट सिग्नल, जबकि आरएमएस के केस में हम उसका स्क्वायर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सिग्नल का पहले हम ले लेते हैं आरएमएस, उसकी फाइंड कर लेते हैं हम आरएमएस वैल्यू, और उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास करंट है, लेट्स से करंट का क्या आरएमएस वैल्यू है, तो वो भी सिंपली जो भी आपके पास पीरियड है और उस सिग्नल का स्क्वायर टाइम्स dt। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास कि एक वेव फॉर्म है, एक ट्राइंगुलर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है सॉरी, और इस वेव फॉर्म को मैं वी ऑफ टी कह देता हूँ। तो इसकी अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे तो किस तरह से होगी, हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। इसमें जो वी आरएमएस है उसके लिए हमें चाहिए पीरियड, सो पीरियड इज़ टी 1/t, और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to t, और वी ऑफ टी जो है, वी ऑफ टी हमारे पास जो है वो 0 से dt तक है, और फिर dt से t तक है, और इनका फिर हम लेंगे अंडर रूट। ओके, सो डी टी से टी तक हमारे पास क्योंकि 0 है, हम इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन 0 से dt तक हमारे पास है लेवल वी एम, सो जस्ट प्लेस वी एम एंड dt। तो यहाँ पे आएगा स्क्वेयर, जिस तरह के रिक्वायर्ड है आरएमएस के उसमें। ठीक है, सो आरएमएस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वी आरएमएस इज 1/t वी एम स्क्वेयर एंड डी टी अंडर द रूट। अच्छा, अब ये टी कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, और हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट्स वी एम अंडर रूट डी, ये है आरएमएस वैल्यू। अगर इसकी मीन वैल्यू की बात करें हम, दैट इज़ वी एवरेज की, तो वो ज़रा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर, तो हमें फाइंड करना है इसका जो एरिया है दैट इज़ वी एम टाइम्स डी टी और डिवाइडेड बाय पीरियड दैट इज़ टी, एंड वी गेट डी टाइम्स वी एम। तो 1 में हमारे पास आई है एवरेज वैल्यू, इस 2 में है हमारे पास आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू के जो ये जो वैल्यूज़ डिटरमिन करनी है उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक में स्क्वायर के साथ साथ अंडर रूट भी फिर लेना है, और दूसरे में जो है ना अंडर रूट है ना स्क्वायर है। ठीक है, तो इनमें इन दोनों में ये कंप्यूटेशन में ये फ़र्क है। ओके, अब
एक और चीज़ यहाँ पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली साइनोसाइट्स के साथ बहुत डील करते हैं इस कोर्स में या एनी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में, तो साइनोसाइट जो है उसकी आरएमएस वैल्यू कहाँ से आती है, तो वी आरएमएस से हमारे पास वोल्टेज है और हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू से 2 पाई, और इंटीग्रेट करेंगे हम पीक वैल्यू इज वी हैट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे डिवाइड कर देंगे हम 2 पाई से। तो ये हमारे पास आरएमएस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि मैं ओमेगा टी एक्सिस प्रेफर कर रहा हूँ कंपेयर टू टी, मतलब मैं ओमेगा टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टी। द रीज़न इज़ के अगर मैं ओमेगा टी नहीं लिखता तो फिर मुझे मैं पाई और 2 पाई इसमें नहीं डील कर सकता। अगर मैं इस वेव फॉर्म को इस तरह डील कर रहा हूँ कि 0 से पाई तक जो है ये हाफ साइकिल और 2 पाई तक फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल, ये मेरी वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो अगर मैं इसको टाइम एक्सिस में डील करता हूँ फिर मुझे बजाय पाई और 2 पाई लिखने के मुझे लिखना पड़ेगा 1 ओवर द फ्रीक्वेंसी एंड 2 ओवर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 ओवर फ्रीक्वेंसी और हाफ ऑफ द, ठीक है, हाफ पीरियड। तो ये हमारे पास वेवफॉर्म बेशक दिखने में ऐसी लगेगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमें जो है ना ये पॉइंट्स बताने होंगे ये पॉइंट, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लाइक से 50 है तो 50 के लिए आपके पास ये टाइम अलग होगा, 60 के लिए अलग होगा, लेकिन अगर आप इसको ओमेगा टी डोमेन में रखते हैं तो उसमें फिर फ़ायदा ये है कि आपको डील करना पड़ता है इन पाई एंड 2 पाई, पाई 2 पाई मीन्स मल्टीपल्स ऑफ पाई। ओके, तो वी आर एम एस हमारे पास इस केस में इट्स वी हैट स्क्वेयर द पीक वैल्यू वो 2 पाई, और जो इंटीग्रल के अंदर का मैटर है इसमें हम लिख सकते हैं इट्स 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी ओवर 2 एंड d ओमेगा टी अंडर द रूट। तो अब हमारे पास इसको जो इंटीग्रेट करना है वो रिलेटिवली इजी है कि वी हैड स्क्वेयर ओवर 2 पाई, 4 पाई बल्कि जो 2 है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो 4 पाई, और जो 1 का इंटीग्रल हमारे पास आएगा दैट इज 2 पाई माइनस 0, और जो कॉस का जो इंटीग्रल हमारे पास है क्योंकि साइन या कॉस को आप अगर एक पूरे साइकिल के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं तो दैट्स गोना गिव यू 0, ठीक है, क्योंकि आप एक साइन को या कॉस को अगर देखें तो एक साइकिल के अंदर अगर आप उसको जब भी इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट साइकिल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो रीजन है ये इक्वल हैं। ओके, सो वील एंड अप अंडर रूट वी हैट स्क्वेयर, और ये जो 2 पाई है यहाँ पे अगर कैंसिल हो जाए तो आपके पास 2 रह जाएगा और वी लेफ्ट विद वी हैट ओवर अंडर रूट 2। सो ये हमारे पास है आरएमएस वैल्यू फॉर दी साइन वेव, ठीक है, आरएमएस वैल्यू हम इस तरह से वो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर बजाय एग्जैक्ट इस तरह के साइन वेव के अगर हमारे पास हो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से हो लाइक अ फुल वेव रेक्टिफायर, पॉजिटिव हाफ देन अनदर,
ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या होने लगा है कि अगर आरएमएस वैल्यू अब फाइंड करते हैं तो इट विल गेट द वेरी सेम वैल्यू वी हैड ओवर अंडर रूट टू। और इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास पीरियड है पाई का, ये एक साइकिल इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू पाई। वी हैड स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी अंडर द रूट। तो ये हमारे पास, क्योंकि पहले दो साइकिल्स थे हमारे पास और 2 पाई से डिवाइड कर रहे थे, अब हमारे पास एक साइकिल आ गया और उसका एरिया जो है ना जस्ट डबल हो रहा है। अगर आप दूसरा साइकिल कंसीडर करते हैं जस्ट डबल होता है। तो ये जो है हमारे पास एसेंशियली वही आरएमएस वैल्यू देगा जो हमारे पास साइनोसाइड के केस में आई है। और दूसरी चीज़ जो कि आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपके पास लेट्स से पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं, ये वेवफॉर्म हो रही है, लेकिन इस नेगेटिव साइकिल की जो कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव साइकिल की कंट्रीब्यूशन के इक्वल है, क्योंकि स्क्वेयर हो रहा है तो स्क्वेयर ऑलवेज मीन्स बिकमिंग पॉजिटिव, नेगेटिव ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव। तो आप इस साइन वेव की जो आरएमएस वैल्यू हमने फाइंड की, इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि 2 पाई की जगह पाई और इस 2 पाई की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इससे आपको ये बात भी पता चलती है। ओके, अब नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि आरएमएस और एवरेज वैल्यूज़ जो है इनके बीच क्या रिलेशन है, इनसे हमें पता क्या चलता है। तो सबसे पहले अगर एक वेव फॉर्म हमारे पास पीरियाडिक है, कोई भी हमारे पास पीरियाडिक वेव फॉर्म है, लेट मी मेक इट स्क्वेयर, अगर कोई भी पीरियाडिक वेव फॉर्म हमारे पास है तो इस वेव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज फोरियर सीरीज, इसको हम फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फोरियर सीरीज में हमें क्या करना पड़ता है कि इस वेव फॉर्म को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है एज अ सम ऑफ, एक तो हमारे पास एवरेज वैल्यू, दूसरा सम ऑफ लेट्स से के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सम ए के कॉज ऑफ के ओमेगा टी एंड प्लस बी के साइन ऑफ के ओमेगा टी, कि हम साइन और कॉस के समेशन से हम ये वेव फॉर्म जो है वो बना लेते हैं। अब एवरेज वैल्यू जो हमारे पास होती है वो हम सिंपली जो डिस्कस कर रहे हैं पिछले उसमें भी, कि इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू दैट पीरियड टी, और हम इंटीग्रेट करते हैं 0 टू टी और डिवाइड कर देते हैं टी से। इसी तरह जो ए के है उसको हम 2 ओवर टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू टी वी ऑफ टी टाइम्स कॉज ऑफ के ओमेगा टी से इस रिलेशन से फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली जो बी के है उसको हम फाइंड कर लेते हैं 2 ओवर टी 0 टू टी वी ऑफ टी एंड साइन ऑफ के ओमेगा टी से। और जब ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं तो हम एक फाइनल वी ऑफ टी जो है एक और फॉर्म में जो कि हम लिख सकते हैं वो है कि दिस एवरेज वैल्यू प्लस सम सी के साइन ऑफ के ओमेगा टी प्लस फी के, जबकि जो सी के है ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ ए के स्क्वेयर प्लस बी के स्क्वेयर से।
ठीक है, जबकि फी के इज़ सम टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी के ओवर ए के। तो इन रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या ये फॉर्म या फिर हमारे पास ये दूसरी फॉर्म। अच्छा, अब अगर हम एक ऐसा सिग्नल जो कि फोरियर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है उसको हम उसकी हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इनकी आरएमएस वैल्यू में इनकी आरएमएस वैल्यू हमारे पास किस तरह से आती है, वो है गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन कि हमारे पास जो सी के है इट्स इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि इसके अंदर जो फंडामेंटल कंपोनेंट है उसकी जो पीक वैल्यू है उसको हम सी वन कह रहे होते हैं। इसी तरह जो सेकंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसके एम्पलीट्यूड को सी टू कह रहे होते हैं, और इसी तरह से ये मामला चलता है। तो अगर हम किसी एक हार्मोनिक की लेट्स से फंडामेंटल की वो फाइंड करना चाहते हैं आरएमएस वैल्यू, फर्स्ट हार्मोनिक जो है उसकी आरएमएस वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो एक साइनोसाइड है उसका एम्पलीट्यूड और डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, तो इस तरह से हमारे पास उसकी आरएमएस वैल्यू आ जाती है। इसी तरह अगर सेकेंड को हम करना चाहते हैं तो उसमें हम सी टू डिवाइड बाई अंडर रूट टू, और ये हमारे पास, और इस तरह से हम nth उस तक जा सकते हैं। और अगर जो सिग्नल जो इन हार्मोनिक से मिलकर बना है, वो सिग्नल जो कि इन हार्मोनिक से मिलकर बना है वी ऑफ टी, तो उसकी आरएमएस वैल्यू हम सिंपली डिटरमिन कर सकते हैं इनके आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के सम और फिर उसके अंडर रूट से। तो अगर उसके अंदर डी सी वैल्यू है तो इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी, दैट इज वी एवरेज स्क्वेयर, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो एवरेज स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। अच्छा, अब रिलेशन कैसे बनता है हमारे पास? अगर हमारे पास इफ वी हैव केस ए, इफ वी हैव प्योर साइनोसाइड, लेट हमारे पास है जो वी ऑफ टी है वो एक साइनोसाइड है, तो उसका मतलब कुछ वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी है, लेट से सिंबॉलिकली लेट से ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिवाय इस फंडामेंटल के बाकी ये सारी टर्म्स जीरो हैं। एक साइनोसाइड प्योर तभी बनता है जब इसमें सिर्फ एक ही फंडामेंटल कंपोनेंट हो, बाकी सारे जीरो। तो इसका मतलब उस केस में जो वी आर एम एस है वो वी वन आर एम एस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं है। तो फंडामेंटल कंपोनेंट की आर एम एस वैल्यू जब उस सिग्नल की आर एम एस वैल्यू के इक्वल होती है, तो दैट मीन्स अ प्योर साइनोसाइड। दूसरा केस ये है कि इफ वी हैव प्योर डीसी, दैट मींस के वी ऑफ टी हमारे पास है कुछ डीसी और इक्वेशन में कुछ यू नजर उसमें यू नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास केस है तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज के अलावा बाकी की जो सारी टर्म्स हैं ये जीरो है। तो उस केस में हमारे पास वी आर एम एस इक्वल होगा वी एवरेज के। तो आर एम एस और एवरेज का जो ये कॉम्बिनेशन है ये हमें ये सजेस्ट कर रहा है के क्लोजर इज वी आर एम एस टू वी एवरेज देन क्लोजर वी ऑफ टी टू वी डी सी, प्योर डी सी की तरह
ये होगा अगर हमारे पास RMS जितना क्लोजर टू वी एवरेज होगा, ठीक है। सिमिलरली वी आर एम एस जितना क्लोज होगा टू वी आर एम एस, वी वन आर एम एस जितना क्लोजर होगा टू वी आर एम एस, उतना ही वेव फॉर्म क्लोजर होगी टू साइनोसाइडल शेप। तो ये हमें सजेस्ट करते हैं ये चीज़ें कि हमारे पास इनका जो रेशो है उससे हमें पता चलता है कि ये वेव फॉर्म जो है कितनी क्लोज टू इधर अ साइनसाइड आर ए डी सी वैल्यू है। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉटम में ऐड की हुई है कि हमारे पास है एक वोल्टेज वेव फॉर्म और इस वोल्टेज वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है 4 + 8 × sin ωt +10° +5 × sin ωt 2ωt। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये वेव फॉर्म ऑलरेडी 4 ईयर की फॉर्म में है, जिससे मुराद ये है कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो ऑलरेडी है 4 और जो हमारे पास फंडामेंटल कंपोनेंट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 8 है। तो अगर वी वन आर एम एस हम फाइंड करना चाहते हैं फंडामेंटल की आर एम एस वैल्यू, तो दैट इज 8/√2। और जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड हार्मोनिक, उसकी जो पीक है वो 5 है, सो उसको डिवाइड बाय √2 करेंगे तो वो आ जाएगी उसकी आर एम एस वैल्यू। अच्छा, अब अगर हम फाइनली पुट करना चाहते हैं इन सबको से एक वो उठाना चाहते हैं आर एम एस वैल्यू इसमें से डिराइव करना चाहते हैं, सो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, हमारे पास आ जाएगी एवरेज वैल्यू का स्क्वेयर दैट इज़ 4 + 8/√2² +5/√2² और ये RMS वैल्यू हमारे पास हम कैलकुलेट कर सकेंगे अराउंड सम 7.78 वोल्ट। तो इस तरह से अगर हमें एक 4 ईयर सीरीज की फॉर्म मिल जाती है उसमें से हम RMS वैल्यू जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू है दैट इज़ जस्ट 4 और ये है हमारे पास 7.78, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट क्लोजर टू अ डी सी और डी सी से ज़्यादा ये इसमें मतलब ए सी कॉन्टेंट भी है और इसमें डी सी कॉन्टेंट भी है। ये सिर्फ जो है इसको ना प्योर एसी कह सकते हैं ना इसको प्योर डीसी कह सकते हैं, इट्स अ मिक्स, ठीक है। तो हम इस तरह से फाइंड कर फोरियर सीरीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।